हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका डीसीए बीसीए एंड पीजीडीसीए क्लासेस विथ कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन में, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स अपने लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इनपुट डिवाइस जिसमें टाइपिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस एवं ऑडियो विजुअल्स को अलग अलग करके दिखाया हुआ है। हमारे पहली वीडियो में इनके इमेज क्लियर नहीं थे, इसलिए हमने सेकेंड वीडियो में भी इसको दिखाना चाहा है आपको। इनपुट डिवाइस जिसमें स्कैनिंग डिवाइस के इमेज स्कैनर, ओएमआर, एमआईसीआर, ओसीआर, बारकोड रीडर तथा ऑडियो विजुअल के वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन एवं डिजिटल कैमरा के बारे में आगे देखेंगे। इमेज स्कैनर जिसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इसका प्रयोग करके पिक्चर फाइल या किसी प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर पर लाने का काम किया जाता है, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तथा इमेज स्कैनर के प्रकार दिखाए गए हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, फिल्म स्कैनर, हैंड स्कैनर, 3D स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर, डेस्कटॉप डिजिटल कैमरा स्कैनर एवं स्मार्ट ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन दोनों हो सकते हैं। तथा जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओएमआर शीट को ऑप्टिकल मार्क रीडर में डाला जाता है तथा कंप्यूटर में सेट आंसर से ओएमआर शीट के आंसर की मैच की जाती है। इस प्रकार ओएमआर शीट को चेक करने का कार्य किया जाता है। तथा इसकी परिभाषा के तौर पर इसकी जानकारी दे सकते हैं, इसका प्रयोग उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क या निशान के माध्यम से पेज पर लगाते हैं। जैसा आप अपने परीक्षाओं में गोला लगाने का कार्य करते हैं, वो ओएमआर शीट पर लगाया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि MICR किस तरह से चेक के मैग्नेटिक इंक वाले करेक्टर को रीड करने का कार्य करता है। परंतु आपको और भी कुछ चीज़ जानने जरूरी हैं कि चेक में मैग्नेटिक इंक वाले करेक्टर कितने डिजिट के होते हैं, बैंक का IFC कोड कितने डिजिट का होता है, CIF नंबर या CIF क्या होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंत में बताई भी गई है। तथा आप अपने तरह से भी इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा आगे देखते हैं परिभाषा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या एक बैंक व अन्य संस्थाओं में चेकों और अन्य दस्तावेजों के बेहतर प्रसंस्करण के लिए ऐसे यंत्र का उपयोग होता है जो चेक पर चुंबकीय स्याही से छपे नंबर पढ़कर चेक व अन्य दस्तावेज को प्रोसेस करता है। यह अक्षर पहचान तकनीक पर आधारित है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से OCR मशीन स्कैन करके केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ही प्रदर्शित करता है। इस तरह की तकनीक अभी कुछ प्रिंटर में भी देखने को मिलते हैं। आगे इसके डेफिनेशन देखते हैं। OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर काम करता है, जिसे हाथ से लिखे या टाइप कर प्रिंट किए या किसी न्यूज़पेपर बुक के किसी भी पेज को स्कैन कर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे उस पर दोबारा कार्य किया जा सके। बार कोड रीडर या क्विक रिस्पॉन्स कोड, इन दोनों की सहायता से किसी भी वस्तु की जानकारी आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। अभी के समय में QR कोड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किसी भी ID की पहचान करने में की जा रही है। वॉइस रिकॉग्निशन, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्पीक नाउ या कोर्टाना, यह एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे द्वारा बोले गए वर्ड को इनपुट के रूप में लेता है और उन वर्ड को डिजिटल रूप में बदल कर उसे समझकर कार्य करता है। माइक, जैसा कि आप इमेज नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आजकल माइक का प्रयोग छोटे छोटे डिवाइस में भी किए जा रहे हैं जो हमारी आवाज़ों को इनपुट करने का कार्य करता है। परंतु जितने भी माइक होते हैं उनमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो हमारी आवाज को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। डिजिटल कैमरा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेके तुरंत आउटपुट दिखाने का कार्य करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं जो चित्र को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। इसका आविष्कार स्टीवन सेशन ईस्टमैन ने सन 1975 में किया। वीडियो के अंत में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ऑप्टिकल माउस का आविष्कार 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने किया, बैंक चेक में 9 डिजिट MICR के नंबर होते हैं, IFC कोड 11 डिजिट का होता है जिसमें 4 डिजिट अल्फाबेटिक होते हैं, तथा
तथा जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है तथा छत्तीसगढ़ का जीएसटी नंबर की स्टार्टिंग 22 है। एटीएम में सीवीसी का फुल फॉर्म, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की स्पीड 1500 से 3000 करेक्टर पर सेकेंड होता है। ओसीआर टेक्नोलॉजी को इंटेलिजेंस करेक्टर रिकॉग्निशन। आगे है ट्रैक बॉल के यूज, कैड में कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क स्टेशन में, कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन में, सोनार सिस्टम में भी किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन का उपयोग, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करके स्क्रीन शॉट करने का कार्य किया जाता है या कॉपी करने का कार्य किया जाता है। अल्ट कंट्रोल प्लस भी करके हम उसे लाने का कार्य कर सकते हैं। F1 जनरल हेल्प के लिए उपयोग किया जाता है। F5 करके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का कार्य करते हैं।